वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम कंप्यूटर का न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो है कीज़ ऑफ द कीबोर्ड, मतलब कीबोर्ड में जो कीज़ होती है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अ कीबोर्ड लुक्स लाइक अ टाइपराइटर विच कंटेन्स की टू फीड इंफॉर्मेशन इन टू द कंप्यूटर। मतलब कीबोर्ड में जो कीज़ होती है उससे हम कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन डालते हैं, इसीलिए हम कीबोर्ड को इनपुट डिवाइस बोलते हैं। पहला होता है अल्फ़ाबेटिक कीज़। अल्फ़ाबेटिक कीज़ आपके 26 अल्फ़ाबेटिक कीज़ होते हैं। देयर आर 26 अल्फ़ाबेटिक कीज़ ऑन द कीबोर्ड। 26 अल्फ़ाबेटिक कीज़ होते हैं। दीज कीज़ आर नॉट अरेंज इन प्रॉपर सीक्वेंस। मतलब ये जो अल्फ़ाबेटिक कीज़ होते हैं ये प्रॉपर सीक्वेंस में ए से जेड तक नहीं लिखे होते हैं। वी यूज़ अल्फ़ाबेटिक कीज़ टू टाइप अ वर्ड सेंटेंस ऑन पैराग्राफ। मतलब हमें जब भी पैराग्राफ में लिखना होता है, सेंटेंसेस लिखने होते हैं कंप्यूटर में, तो हम इन्हीं कीज़ का वर्ड्स को बनाने के लिए यूज़ करते हैं। फिर होती है न्यूमेरिक कीज़। न्यूमेरिक कीज़ होती है 1 से 0 तक आपकी न्यूमेरिक कीज़ होती है, ठीक है, कीबोर्ड में। ये देखो 1 से 0 तक न्यूमेरिक कीज़ होती है। आर द न्यूमेरिक कीज़ द राइट हैंड साइड ऑफ द कीबोर्ड कंटेन्स द न्यूमेरिक कीपैड कंप्राइजिंग कैलकुलेटर लाइक कीज़। मतलब यहाँ पे भी कीज़ होती हैं 1 से 0 तक, और यहाँ पे भी कीज़ होती है कैलकुलेटर फॉर्म में। ओके, यू कैन राइट एनी नंबर विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिक की। मतलब आप कोई भी नंबर न्यूमेरिक की के हेल्प से लिख सकते हो। फिर होती है फंक्शन कीज़। फंक्शन कीज़ वो होती है जो अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करती है कंप्यूटर में, ठीक है। दीज कीज़ आर लेबल्ड F1 to F12। F1 से लेके F12 तक जो कीज़ होती है वो फंक्शन कीज़ होती है। These keys are located at the top of the end of keyboard। ये top keyboard की end में, सबसे ऊपर के top में यहाँ पे होती है। The functions they perform depend on the software that you use। मतलब ये उसी तरह perform करेगी जिस तरीके से आप computer में software use करोगे। Here we are going to discuss about some of them। उसमें से कुछ का discuss करते हैं। पहला है F1। वाइल वर्किंग इन द एप्लीकेशन प्रेसिंग दिस की विल ब्रिंग एप्लीकेशन हेल्प मेन्यू। मतलब सबसे पहले जो मेन्यू ओपन करते हैं, जैसे हम मोबाइल ओपन करते हैं तो हमारे में एप्लीकेशन दिखती हैं, उसी तरह हम कंप्यूटर ओपन करेंगे, उसमें F1 की को दबाएंगे तो उसमें आपको मेन्यू दिखेगा कि आपको क्या क्या चलाना है। इफ देर इज नो ओपन एप्लीकेशन F1 विल ओपन विंडोज हेल्प। मतलब अगर सॉफ्टवेयर जैसे जो डला होता है किसी में एप्लीकेशंस नहीं दिखती है, अगर एप्लीकेशन ओपन नहीं होती है तो हम F1 दबा करके उसको कोई भी एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट होती है F2। दिस की रिमेन्स अ सिलेक्टेड आइटम्स और रीनेम्स अ सिलेक्टेड आइटम्स और ऑब्जेक्ट। मतलब हमने जैसे कोई फाइल बनाया, प्रोजेक्ट बनाया, तो हमें उसका नाम डालना है, तो उसके लिए हम F2 का यूज़ करते हैं। देन उसके बाद आती है F3। दिस की विल डिस्प्ले द सर्च रिजल्ट विंडो। मतलब विंडो में जब भी हमें कोई चीज़ सर्च करनी होती है, मोबाइल में सर्च करनी होती है, तो हम ऊपर सर्च का ऑप्शन होता है ना जिससे गूगल में, उसी तरह विंडो में भी सर्च का ऑप्शन F3 से आता है। देन F4 वाइल यू आर वर्किंग इन इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड यू प्रेस दिस की एड्रेस बार विल ओपन। मतलब जैसे आप कोई गूगल में सर्च कर रहे हो, आपने कोई चीज़ें सर्च की, तो उसमें जैसे आप F4 दबाते हो तो उसमें एड्रेस बार, मतलब उस साइट की एड्रेस बार ओपन हो जाएगी, ठीक है, जहाँ से वो चीज़ आपको दिखेगी वो साइट आपको ओपन हो जाएगी। देन F5 दिस की रिफ्रेशेज द एक्टिव विंडो। मतलब F5 क्या करता है, रिफ्रेश जैसे हम करते हैं ना, बार बार रिफ्रेश दबाते हैं, उसके बदले हम F5 को दबाएंगे तो कंप्यूटर ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाता है। इन इंटरनेट एक्सप्लोरर F5 विल रिफ्रेश द वेब पेज। हमारे कंप्यूटर में F5 कंप्यूटर को रिफ्रेश करता है और इंटरनेट में गूगल में वो वेबसाइट को रिफ्रेश करता है। देन F6 व्हेन यू आर इन MS वर्ल्ड प्रेस दिस की यू विल गो टू द नेक्स्ट पेन और फ्रेम। जैसे आपने कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो MS वर्ल्ड पे, एक एप्लीकेशन होता है MS वर्ल्ड, MS विंडोज, पावर पॉइंट, जो एप्लीकेशंस होती हैं उसमें, अगर आप MS वर्ड में अगर आप F6 को दबाते हो तो इस F6 की से आप नेक्स्ट फ्रेम में, मतलब नेक्स्ट पेज में आप पहुंच जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट F10। अब F10 का यूज़ क्या होता है, दिस की एक्टिवेट्स मेन्यू बार ऑप्शंस, यूज़ राइट और लेफ्ट एरोज टू सिलेक्ट मेन्यू एंड डाउन एरो टू डिस्प्ले पुल डाउन मेन्यूज़। मतलब
F10 क्या करता है, जैसे आपका मान लो आपके पास माउस नहीं है, माउस काम नहीं कर रहा, तो आपको क्या करना है, आपको एक ऑप्शन से दूसरे ऑप्शन नीचे राइट साइड लेफ्ट साइड, तो ये क्या, ये सारी चीज़ें F10 आपको हेल्प कर सकता है। देन उसके बाद आता है F11, इन इंटरनेट एक्सप्लोरर दिस की विल अलाउ यू टू टॉगल बिटवीन फुल स्क्रीन व्यूइंग मोड एंड नॉर्मल व्यूइंग मोड। मतलब F11 में जैसे आप सपोज आप गाड़ी चला रहे हो है ना, तो आप लोग मोबाइल में वन हैंड मोड करते हो तो आप एक हाथ से मोबाइल चला सकते हो, उसी तरह जैसे कंप्यूटर में अगर आप F11 दबाओगे तो पेज आपको पूरा बड़ा बड़ा दिखेगा, और फिर से F11 दबाओगे तो वो चीज़ आपको छोटी छोटी दिखेगी। ठीक है, तो ये होता है पेजेस के रेफरेंसेस के लिए। नेक्स्ट होती है कुछ स्पेशल कीज़ होती है, जैसे कैप्स लॉक, डिलीट। कैप्स लॉक क्या करता है, कैप्स लॉक करता है सारी चीज़ों को। मोस्ट ऑफ द टाइम यू राइट इन स्मॉल लेटर्स, आप हमेशा छोटे छोटे लेटर्स में लिखते हो, स्मॉल लेटर्स में लिखते हो। समटाइम्स हाउ एवर यू माइट नीड टू राइट ओनली इन कैपिटल लेटर्स, मतलब कभी कभी आपको कैपिटल लेटर्स में लिखने की ज़रूरत पड़ जाती है ना, तो सारी चीज़ों को कैपिटल लेटर में आप कंप्यूटर में तो लिख नहीं सकते, आपका हाथ तो है नहीं, तो आप कैपिटल लेटर कैप्स लॉक का दबाओगे तो वो सारी चीज़ें आप कैपिटल लेटर में पढ़ सकते हो। इन सच केसेस इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू प्रेस टू कीज़ टुगेदर एट ऑल द टाइम्स, मतलब बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि हम दो कीज़ को एक साथ बार 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 नहीं दबा सकते। दैट इज़ द शिफ्ट की एंड द कैरेक्टर की, प्रेस द कैप्स लॉक की वंस, द कैप लॉक लाइट विल टर्न ऑन अबव द न्यूमेरिक कीबोर्ड, देन यू टाइप ऑल द लेटर्स विद अपीयर इन कैपिटल। मतलब आप लोग बार 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 दो कीज़ को दबाने के बदले कैप्स लॉक को एक बार ओपन कर दो, ऑन कर दो, एक बार चालू कर दो, उस बटन को भी दबा दो तो उसकी लाइट ऑन हो जाएगी और वो सारी चीज़ें आपको कैपिटल लेटर्स में लिखना लिखा दे, अपने आप ऑटोमेटिक जो भी आप टाइप करोगे वो आपको कैपिटल लेटर्स में लिखाएगा। देन उसके बाद डिलीट की, इन शॉर्ट मैं डिलीट की आप लोग को बताती हूँ। डिलीट की क्या होता है, जैसे मान लो आपको कोई, आपने कोई चीज़ लिखा बुक बोल, मान लो आपको बुक लिखना है, सपोज एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा बुक लिखना है, लेकिन आपने गलती से बोल लिख दिया, उसकी स्पेलिंग गलत लिख दी, तो आपको इसको बैक स्पेस करके या फिर आप डिलीट करके, ठीक है, डिलीट का ऑप्शन दबाओगे तो वो आप उसको ऑटोमेटिकली टोटली इरेज कर सकते हो, मतलब मिटा सकते हो। जैसे हम रबड़ से पेंसिल का लिखा हुआ मिटा देते हैं, उसी तरह हम कंप्यूटर में डिलीट के थ्रू वो कैरेक्टर को, वो वर्ड को मिटा सकते हैं। देन उसके बाद आता है स्पेस बार। आप लोग जैसे बीच बीच में, जैसे ये दो वर्ड हैं, दो वर्ड लिखा हुआ है, दो वर्ड के बीच में इतना जो गैप है, ये गैप को देने के लिए कंप्यूटर में यूज़ स्पेस बार का किया जाता है। ठीक है, स्पेस बार का यूज़ किया जाता है। देन उसके बाद आता है एंटर की। ठीक है, एंटर की होता है, सपोज़ आपने, इन शॉर्ट में आपको चीज़ों को समरी में बता रही हूँ, एंटर की आपको क्या होता है कि मान लो आपने किस एक लाइन लिखा, वी वुड डू इट इन दिस वे, सपोज आपने ये लाइन लिखी, देन उसके बाद आपको ये लाइन के बाद नीचे वाली लाइन में लिखना है, तो आप एंटर की को दबाओगे तो वो ऑटोमेटिकली आप नीचे वाली लाइन पे आ जाओगे। देन आता है बैक स्पेस। अभी हमने एक चीज़ डिलीट पढ़ी, डिलीट का बटन और बैक स्पेस दोनों ही सेम तरीके से काम करता है, जब भी आपने कोई मिस्टेक की है तो आपको मिटाना है तो आप बैक स्पेस दबा सकते हो, उससे आप पूरे कैरेक्टर्स को अच्छे से वापस से रीराइट कर सकते हो। देन एरो की, एरो की होती है ऊपर नीचे राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। ठीक है, जैसे आपके पास माउस नहीं है तो आपको एक ऑप्शन से दूसरे ऑप्शन में नीचे आना है, राइट साइड आना है, लेफ्ट साइड आना है, तो उसके लिए एरो कीज़ का यूज़ होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे की कीज़ को पढ़ेंगे। तब तक के लिए टेक केयर ऑल ऑफ़ यू एंड थैंक यू।